लेते हैं। ये ले सर, आपका पिज़्ज़ा लेट करने के लिए थोड़ा माजरत। अच्छा एक काम करो, कोल्ड ड्रिंक भी ले आओ। ठीक है सर, मैं अभी ले आता हूँ। ये पिज़्ज़ा हमने लार्ज ऑर्डर नहीं किया था? हाँ, पर ये तो मुझे मीडियम लग रहा है। मीडियम तो मुझे भी लग रहा है। एक मिनट रुक, मैं वेटर को बुलाता हूँ। वेटर, इसे क्या हो गया, फंस तो नहीं गया? आ रहा हूँ सर। जी सर, आपने बुलाया। ये हमने पिज़्ज़ा लार्ज ऑर्डर नहीं किया था, ये तो मुझे मीडियम लग रहा है। रुके सर, मैं आपको पता करके बताता हूँ। यार इस पिज़्ज़े में ना पक्का कोई गड़बड़ है यार, ये लार्ज नहीं हो सकता, इतना तो मुझे पता है। यार शायद तेरे से ही मिस्टेक होगी, हो तूने मीडियम ही ऑर्डर कर दिया हो। यार मीडियम तो मैं अकेला खा जाता हूँ, इतना बेवकूफ़ हूँ, मुझे पक्का यकीन है मैंने लार्ज किया था। मुझे लग रहा है वेटर से कोई होगी गलती, कोई आगे बताएगा। सर मैंने आपका ऑर्डर चेक किया, आपका लार्ज पिज़्ज़ा ही ऑर्डर 500 ओवर था, या आपका लार्ज पिज़्ज़ा? ये लार्ज पिज़्ज़ा है। जी सर, ठीक है जाओ फिर, अब क्या हो सकता है, यही खा लेते हैं, अब क्या हो सकता है। आहा, अच्छा बेवकूफ बनाया है। वो देख, उसका पिज्जा तो ठीक है, हमारे पिज्जे का ही साइज छोटा है। यार शायद उसका एक्स्ट्रा ला रहे हो। नहीं नहीं मुझे कोई चक्कर लग रहा है, रुक मैं देख के आता हूँ। यार छोड़ने दे। यार रुक जाना, मैं उससे पूछूंगा कि उसका लार्ज है एक्स्ट्रा लार्ज है। रुक। अरे भाई जान, ये आपका पिज्जा लार्ज है या एक्स्ट्रा लार्ज है? अरे भाई ये लार्ज पिज्जा है, क्यों? नहीं नहीं भाई कुछ भी नहीं, बस ठीक है, ओके। भाई मैंने तेरे पहले ही कहा था इसमें कोई गड़बड़ है, उसका पिज्जा भी लार्ज है मगर उसका साइज ज्यादा बड़ा है। अब आ ऑनर के पास चलते हैं, उसको शिकायत करते हैं। सर ये पिज्जा हमने लार्ज मंगाया था मगर ये तो हमें मीडियम लग रहा है, आप ये चेक करवाएं प्लीज। हाँ यार ये तो वाकई छोटा लग रहा है। अरे नासिर, टेबल नंबर 1 पे कौन सा पिज्जा पंच किया था? जी सर लार्ज पंच हुआ था। देखा मैंने आपको पहले ही कहा था इस पिज्जे में कोई मसला है, आप एक काम करें वेटर को बुलाएं और उससे पूछें। अब रुको जरा, बबलू इधर आओ। ये टेबल नंबर 1 पे कौन सा पिज्जा दिया था? लार्ज पिज्जा दिया तो वो काम कैसे हो गया था? सर मुझे भूख लगी थी, मैंने थोड़ा सा खा लिया। भूख लगी थी तो इसमें हमारा कसूर है? चलो तुम जरा, मैं तुम्हें बताता हूँ। जाओ सर, सॉरी आपको गलत ऑर्डर मिल गया, इसको तो आज मैं बताता हूँ ना। सर आपने ही कहा था कि काम के टाइम पे खाना नहीं खाना, इसलिए मुझे भूख लगी तो मैंने उसमें से खा लिया। मुझे तो आज बचा। रुक जाओ, इसमें इसकी नहीं तुम्हारी गलती है, अगर तुम इन वर्कर्स को वक्त पे खाना खाने दो ना तो ऐसी चोरी करने की इनकी हिम्मत ही ना हो। मगर सर, मगर वगैरह कुछ नहीं, तुम्हें चाहिए कि तुम इसका इस तरह ख्याल रखो जैसा तुम अपने घर वालों का रखते हो, क्योंकि तुम्हारा सारा कारोबार इन्हीं वर्कर्स की वजह से चल रहा है। एक मालिक को चाहिए कि अपने वर्कर्स की हर तरह की सहूलियात पूरी करे ताकि वो ऐसी घटिया चोरी चकारी वाली हरकत से दूर रहें।